फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी, न्यूट्रिशन इन प्लांट। पहले हमने पढ़ा था इसमें फोटोसिंथेसिस का, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम आपको इसके डिटेल्स डीप में पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके डिटेल्स जो होते हैं डीप में पढ़ने के लिए, जो कि पार्ट थर्ड है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले कि फोटोसिंथेसिस में किस तरह की क्रियाएं होती है, कैसे प्रोसेस होते हैं। इसमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में लीव्स जो होते हैं इनका मेन रोल होता है। या क्या करते हैं लीव्स? क्लोरोफिल को यूज करते हैं। क्लोरोफिल लीव के अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल जो होते हैं CO2 प्लस वाटर को यूज करते हैं। यूज करके ये क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यूज करते हैं और इनको फॉर प्रिपेयरिंग फूड। फूड में ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लांट का फूड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने समझ गए कि जैसे यहाँ क्लोरोफिल है या ये CO2 एयर से लेते हैं प्लस वाटर, ये इन दोनों को मिला करके यूज करके ये प्रिपेयरिंग क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लांट का फूड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं। स्टार्च ही कहाँ होते हैं? जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था कि लिप्स में क्या क्या छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसको हम स्टोमाटा कहते हैं। इनमें ही ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे इसमें कि जैसे देखिए हम लिखा हमने कि प्रोसेस क्या है? प्रोसेस रिएक्शन। अब ये जो हमने फोटोसिंथेसिस जो क्रियाएं होती है, प्रोसेस जो जैसी होती है, जो भी प्रोसेस होता है उसमें रिएक्शन कैसे होते हैं इसके, जैसे यहाँ देखिए आपने देखा यहाँ पर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सब मिल करके सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? सनलाइट की उपस्थिति में विथ क्लोरोफिल जो आपके लीफ में होते हैं, जो जिसके अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट्स होता है। इन सब की उपस्थिति में मिल करके यह कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं एंड और यह ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ये दोनों एक साथ ही बनते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्लांट के द्वारा फूड के रूप में यूज हो जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज हो जाता है। जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो इससे हम क्या करते हैं? अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसके आगे, अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं आपके फोटोसिंथेसिस के। इसमें देखेंगे हम कि फोटोसिंथेसिस जो क्रिया हुई, प्रोसेस हुआ, उसमें रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट ये निकला कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बना, जो कि प्लांट का फूड होता है, भोजन होता है प्लांट का, और रिलीज किया हुआ ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन को हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? यूज करते हैं, लेते हैं, और प्लांट जो होते हैं उसको रिलीज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? भोजन के रूप में स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है, ये स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यह स्टार्च जो होता है लीफ में होता है, क्या होता है? यह लीफ में क्या होता है? ये भी स्टार्च जो होता है प्रेजेंट होता है। इसी लीफ के स्टार्च के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। जिस लीफ में यह स्टार्च नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उन लीफ में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। और फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी, प्रोसेस नहीं होगा, तो वह जो प्लांट होते हैं अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आगे क्या है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक तरह से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यह स्टार्च जो है क्या? एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। जो लीव इज ऑफ अ ग्रीन कलर। अब हम देखते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया इसमें? क्योंकि लीव में क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। यह ग्रीन कलर क्या होता है? यह ग्रीन कलर देखिए जैसे इसमें क्या है? ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर क्या होता है? ग्रीन कलर यह होता है इसमें देखिए, बिकॉज इट इज कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स का जो कलर होता है, लीफ का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, और ग्रीन कलर होने के कारण ही ये क्या करते हैं? अपना सनलाइट के प्रेजेंटेशन में अपना ये भोजन बना पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ आगे पॉइंट्स देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट, प्लांट। प्लांट में क्या होते हैं? लीव होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लीव हरे होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कुछ कुछ लीफ क्या होते हैं? रेड कलर के भी होते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि जो लीफ रेड होते हैं, वायलेट होते हैं और ब्राउन होते हैं वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। वो अपना भोजन बनाते हैं, क्यों?
क्योंकि उनके अंदर भी क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स तो होते ही है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये जो कलर जो होते हैं इनको कवर, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लीफ होता है, लीफ के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर होते हैं। ग्रीन कलर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि हाउ द प्लांट विथ अदर देन द ग्रीन लीफ सर्वाइव एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन ये आता है कि अगर इनके अंदर ये क्लोरोफिल नहीं होते हैं तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे नीचे ये लीव्स के अंदर क्या होता है। हमने जैसे पहले बताया कि ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं और ग्रीन पिगमेंट्स के में क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये रेड कलर जो होते हैं, रेड पिगमेंट्स होते हैं, ब्राउन होते हैं, वायलेट होते हैं, ये इनको कवर कर देते हैं। किसको कवर करते हैं, क्लोरोफिल को कवर करते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स को कवर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अपना भोजन नहीं बनाते, भोजन बनाते हैं, लेकिन ये कलर को दिखते मतलब ग्रीन दिखते नहीं है, रेड वायलेट और ब्राउन कलर में दिखते हैं। चलिए इसमें हम देखते हैं एक बार, हम इसको फिर से समझते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लीफ है, लीफ जो है ये ग्रीन पिगमेंट्स उसके अंदर है, लेकिन ये ग्रीन पिगमेंट्स के ऊपर क्या होता है, यह रेड ब्राउन और वायलेट पिगमेंट्स का क्या होता है, कवर हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखिए मास्क है, मास्क क्या जैसे कवर होता है, मास्क को मतलब कि कवर कर जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि इनके अंदर ग्रीन ग्रीन कलर्स नहीं दिख रहे थे, ये फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं करते हैं, ये करते हैं। इनके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट्स भी होते हैं, क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन ये रेड कलर जो है, रेड पिगमेंट्स, ब्राउन और वायलेट जो है, ये इनको कवर कर देते हैं। तो इनमें भी दोस्तों फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, ये क्रिया इनके अंदर भी होती है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि लीफ है, लीफ के अंदर क्या होते हैं, बहुत से इसमें फीचर्स होते हैं, जैसे कि पैसेस होते हैं इसमें, तो ये पैसेस क्या होते हैं, रेड कलर होते हैं, कोई वायलेट हो जाता है, किसी किसी लीफ में ब्राउन होता है, तो ये क्या ये दिखते हैं पूरे ब्राउन है, ग्रीन है, ये अपने ब्राउन है, वायलेट है, ऐसे कलर में दिखते हैं। लेकिन इनके अंदर भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, क्योंकि इनके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब ठीक है दोस्तों, जैसा कि अब पॉज कर देते हैं, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्त, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।